Welcome to Time News Studios. You are watching HBN Bulletin. हाल पार्टीज ये समझती है कि मौजूदा विफाकी हुकूमत विफाकी पार्लिमानी निजाम की मुखालिफ है और उस तरमीम को खत्म करके सूबों को विफाक के दस्तनगर करके सूबाई खुद मुख्तारी पर शबे खून मारना चाहती है कि 18वीं तरमीम के खिलाफ तमाम साजिशें खत्म की जाएं और उस पर मनोअन अमल दरामद किया जाए। सूबों का भी फर्ज बनता है कि वो उन इख्तियारात को निचली सतह तक जिली और शहरी हुकूमतों और बलदियाती इदारों को मुंतकिल करें। सूबों का हिस्सा 57.5% है जिसमें किसी किस्म की कमी कबूल नहीं की जाएगी। CCI का इजलास हर 3 माह बाद लाजमी होना चाहिए ताकि विफाक और सूबों के दरमियान तमाम आईनी हकूक के मसाइल बर वक्त हल हो सकें। आज की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन के बरतरफी की शदीद मजम्मत करती है और हुकूमत से मुतालबा करती है कि इस जालिमाना फैसले को फिलफोर वापस लिया जाए। आज की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पूरे मुल्क में बिलखसूस और सूबे सिंध में तमाम लापता अफराद को बाजियाब कराने का मुतालबा करती है। JUI सिंध की मेजबानी में थियल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अरणी तमीम तहत इख्तियार हक हेठी सतह तीन मुंतकिल करण जो मुतालबो कंदे चयो वाहिद अरणी तमीम खिलाफ थींदड़ साजिश कौमी बदी खिलाफ साजिश है। मौजूदा वफाकी सरकार पार्लियामानी निज़ाम के मुखालिफ है जेका अरणी तमीम के खत्म करे सूबाई खुदमुख्तियारी से राताहो हण चाहे थी। APC में चयो वियो था NFC अवार्ड तहत सूबन के मिलंदड़ हिस्से में का भी घटताई कबूल न कई वेंदी। वफाक ए सूबन विच में पैदा थींदड़ मसलन के हल लाए CCI जो इजलास हर 3 महीने सरायो वञे। APC में स्टील मिल्स मुलाजमन की बरतरफी वारो फैसलो वापस वठी सुप्रीम कोर्ट के फैसले तहत मामलो CCI में हल करण जो मुतालबो कयो वियो। सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गुम कल मानून के फौरी तौर बाजियाब करण जो भी मुतालबो कंदे वो तो जर डोही सरगर्मियों में मुलविस आहिर खेस गिरफ्तार करे अदालत में पेश किया वे। मुल्क COVID-19 नफर COVID-18 जो शिकार है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान गुजरियल इलेक्शन में मुबैना धांधलिन की गाल कंदे तो हुकूमत तरफा 5 सालों जो मुद्दों पूरों करण वाली दुआ न पर बददुआ है। -1 न पर -all की गाल कई वे। कराची में ABC बाद मीडिया से गालहाइंदे मौलाना फजल रहमान एक भेरों मुल्क में शफाफ चूंडू कराई वन जिनमें इदारा मुदाखलत न कन रियासत इदारा एक पेज से नाहन हुकूमत की का भी पॉलिसी नजर न थी अचे हुकुमरान मुल्क के वधीक केतरो तबाह करण चाहन था। वजीर आजम इमरान खान कराची में बिजली की डिघी लोड शेडिंग जो नोटिस वी छो कि इलेक्ट्रिक के बिजली की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल वजीर आजम से मुलाकात करे खेस कराची में लोड शेडिंग बाबत आगाह किया। गवर्नर सिंध वफाकी वजीर असद उमर ए पावर डिवीजन बाबत सलाहकार के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से मुलाकात कर मसलो हल कर हिदायत। वफाकी हुकूमत की इतिहादी जमात MQM तरफा पार्लियामेंट हाउस बाहरियां के इलेक्ट्रिक खिलाफ धरणो मुतहदा से लागापियल वफाकी वजीर अमीनुल हक कराची में बिजली के बहरान खिलाफ कौमी असेंबली में एहतजाज जो ऐलान कर छो। कौमी असेंबली के इजलास दौरान वफाकी वजीर उमर अयूब चाहिए कि इलेक्ट्रिक सिंध में है कोताही लापरवाही से सजा दियण पीपल्स पार्टी हुकूमत की जिम्मेवारी है। वफाकी हुकूमत कराची में बिजली जो मसलो हल कर वफाकी हुकूमत मुआदे का वधीक गैस के इलेक्ट्रिक के दई रही है। पीपल्स पार्टी MNA शाजिया मरी चयो तो वफाकी वजीर की बयानबाजी से कराची में बिजली जो मसलो हल थी वेंदो के इलेक्ट्रिक में सिंध जो एक भी नुमाइंदो ना है ऐवान में असांजा कन पचाइण बदरा अमल कयो। तवानाई वाले वफाकी वजीर उमर अयूब पंज नाअहली नाकामी जो मलबो सिंध सरकार मथा खेराण की कोशिश कई है। सिंध के तवानाई वाले वजीर इम्तियाज शेख रदअमल जाहिर कंदे चयो है तो नेपरा एक अथॉरिटी है जैसे चेयरमैन ए समूरा मेंबर गड़जी फैसला कंदा के इलेक्ट्रिक में वफाक जो 26% हिस्सो है। इम्तियाज शेख चयो तो वफाक के इलेक्ट्रिक की नाअहलिन नाकामिन सबब कीमती जानन जो नुकसान थी रो है। वजीर आजम के इलेक्ट्रिक खिलाफ कार्रवाई छो न तो करे। लोड शेडिंग रुगो कराची न पर सजी सिंध जो मसलो है जैसी जिम्मेवार वफाकी सरकार है। सिंध खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई जो सिलसिलो बंद किया वे वफाकी हुकूमत सूबाई सरकार से गड़ी मसले जो हल करे।
दोनों एक जीआईटी जिसमें इल्जामात तो सेम है, लेकिन एक जगह पे इल्जामात का जिक्र किया गया, दूसरी जगह पे बदतखूरी हुई, लेकिन किसके कहने पे हुई, बत्ता किसको दिया गया वो वजाहत हुई। लगाकर गाज साहब पर यहाँ पे इजहार बैठे थे बड़े ही जब के माहिर बड़े फनकार बैठे थे। ये दहशतगर्द यूं ही रोज आकर नहीं पड़ते, असेंबली और वजारत में सहूलतकार बैठे थे। पुलिस मुकाबले, अगवा पर एतवान, कत्ल गारत करी, तानों पर हमले, सियासी जलसों और हड़तालों को कामयाब बनाने के लिए मैंने ताकत का मुजाहरा किया। पीपल्स पार्टी के कहने पे बढ़ता जा रहा है जरदारी के बहन को, बढ़ता जा रहा है उजैर बलोच को। आगे कहते कि मैंने अवैस मुजफ्फर टप्पी को आसिफ जरदारी के लिए 14 शुगर मिलों पर कब्जे में मदद के लिए इस्तेमाल किया। कौमी असेंबली में के इलेक्ट्रिक उजैर बलोच बाबत जीआईटी रिपोर्ट के हंगामों, पीपल्स पार्टी मेंबर्स वफाकी वजीर मुराद सईद के उजैर बलोच जो इतराफी बयान मुकम्मल तौर पेश कर न दिनों। मुराद सईद की तकरीर दौरान पीपी मेंबर्स गोड़ आए नारेबाजी बाद वॉकआउट करे पाया। पीपी एमएनए नसीबा चनो वफाकी वजीर मुराद सईद के हेडफोन उछले हुए। मुराद सईद चवा है तो सिंध हुकूमत अली जैदी जी जीआईटीज में यह गाल सामू आई है तो उजैर बलोच जहा सहूलतकार इकतदार में वेठा हुआ। राजा परवेज अशरफ चवा है तरीके इंसाफ जहा वजीर जानी वाणी वजीर आजम के बदनाम कर रहा है। ऐवान के क्यादतन से इल्जाम लगान, एक बे के गारियों दियन या चमाटू हणन ला इस्तेमाल न कर वे। कुछ मानू पेंे वजीर आजम की बेइज्जती कराने घुरन था, हाँ यो सिलसिलो बंद थियन घुर्जे। एक जेआईटी जो है उसके नोटिफाइड मेंबरान होते हैं, उस जेआईटी को कहीं जाकर सबमिट होना होता है और वो हाई कोर्ट है और उस पर सिग्नेचर है। वफाकी एजेंसीज की भी उस पर आईएसआई भी है, एमआई ने भी दस्तखत किए हैं। आपने एक है, एक है जी इस पर तो दस्तखत ही नहीं है, दूसरे हैं इस पर चार हैं, तीसरी है इस पर ये है। खुदा के लिए इस हाउस को तमाशागाह ना बनाएं, इस हाउस को एक दूसरे का मुंह लोचने के लिए ना बनाएं, एक दूसरे को गालियां देने के लिए ना बनाएं। इज्जत, अगर आप इज्जत चाहते हैं कि आपकी इज्जत हो, आपके प्राइम मिनिस्टर की इज्जत हो, तो आप दूसरों के लीडरान की इज्जत करना सीखें। लेकिन मुझे ये यकीन होता जा रहा है कि आप जानबूझकर अपने प्राइम मिनिस्टर साहब की बेइज्जती करवा दें। 15 सितंबर से हमने ये फैसला किया है कि तालीमी अदारे जो हैं वो खुल जाए। इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, बाकी जितने भी नौयत के तालीमी अदारे हैं वो खुलें। जो एक ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन का सिलसिला शुरू हुआ था, वो स्टूडेंट्स जो कि ऐसे एरियाज़ में रहते थे जहाँ के इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, उनके लिए बहुत मुश्किल पैदा हुई। उसलिए हमने यूनिवर्सिटीज़ को इस चीज़ की इजाज़त दी है कि वो ईद के बाद यानी कि अगस्त के शुरू में उन इलाकों के तलबा को अगर वो चाहें तो अपने हॉस्टल्स में बुला सकते हैं, लेकिन 30% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी हॉस्टल्स की नहीं होगी। मुल्क में यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स 15 सितंबर का खोलन जो ऐलान। तालीम वाले वफाकी वजीर शफकत महमूद चवा है तालीमी इदारा खोलन का अग अगस्त सितंबर महीने में मुशावरती इजलास किया वेंदा। तालीमी इदारा खोलन लाए एसओपीस से गौर किया पे वे। जैसे कोरोना की सूरत हाल खराब थी तो सितंबर में तालीमी इदारा न खोलिया वेंदा। शफकत महमूद चवा है इंटरनेट की सहूलत न होने सबब यूनिवर्सिटीज जहाँ केतरा ही शागिर्द ऑनलाइन क्लासेस का महरूम आन। यूनिवर्सिटीज इंतजामिया के अड़न शागिर्दन के हॉस्टल से रहने की इजाज़त दिनी वही है। हॉस्टल में 30% की गुंजाइश का शागिर्द तरसाने से पाबंदी। पीटीआई जहा केतरा असेंबली मेंबर्स राबते में आन, पर असा हुकूमत खिलाफ हॉर्स ट्रेडिंग नथा करण चाहूँ। अगोने वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी चवा है तो हुकूमत को भी इदारों नथी हलए सके। असा जे 5 साल में कर्ज वरता, मौजूदा सरकार 20 महीनों में ओतरा कर्ज वी मुल्की मीशत जो बेड़ो बोड़े छो। हुकूमत के आइनी तरीके से हटाने चाहूँ था। बिलावल भुट्टो जरदारी के जेकर का शिकायत है तो मुआसरत चाहें तो हुकूमत खिलाफ एबीसी असा भी चाहूँ था। सिंध हुकूमत कराची सर्कुलर रेलवे के रस्ते में इंदड़ रंडकू खत्म करे, बिन हफ्तन में रिपोर्ट पेश करे। सुप्रीम कोर्ट रेलवे खसारे बाबत पान मुरादो नोटिस से हुक्म जारी कदे चीफ सेक्रेटरी सिंध और कमिश्नर कराची के इंदड़ बुधनी से तलब करे वरतो। अदालत चवा है तो रेलवे में बेहतरी की का सूरत नजर न पी अचे, मथे का हेठ तई रेलवे में सुधारन की जरूरत है।
प्लानिंग कमीशन एक महीने अंदर रेलवे की बेहतरी बाबत रिपोर्ट जमा कराए। जस्टिस काजी फायज ईसा की घरवारी सरीना ईसा एफबीआर आडो पेश थी। लंडन में मौजूद मिल्कियत के हवाले से समूरो रिकॉर्ड ए मनी ट्रेल जमा कराए छी। सरीना ईसा बुधायो त निजी बैंक अकाउंट में 7 लख पाउंड बाहर मोकलिया। बरतानिया में खरीद कल मिल्कियत से मुड़स जो को वास्तो ना है। एफबीआर टीम जो चवण हो तो जवाब जो जायजो वठण बाद दिसंदासी तो नोटिस मोकलियूं या सवालनामो। करप्शन जो खात्मो ए मेगा करप्शन के केसेस के अंजाम से पहुंचाने पहली तरजीह है। नैब चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल चवा है तो नैब से चीन सीपेक रिथाउन की निगरानी लाए मुफाहमत के याददाश्त नामे ते सहयू क्यों। नैब जो मजमुई तौर से सजा वारो तनासब दुनिया में व्हाइट कॉलर क्राइम की जांच में नुमाया कामयाबी है। लाहौर हाईकोर्ट पेट्रोल बहरान केस में अटॉर्नी जनरल के जांच कमीशन लाए नाला ए टी ओ आर पेश करने की हिदायत करी। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान रिमार्क्स है तो जैसे अदालत पेट्रोल बहरान खिलाफ हुकूमती कदम में मुतमिन न थी तो हुकूमत की बैड गवर्नेंस बाबत फैसले में लिखो वो। सिंध में कातिल वायरस कोरोना 40 मानून का हयातियों खसे वरतियों। 1538 नवा केस सामूँ अची व्या। सूबे में फौत थे जो अंग 1677 मुतासर जो अंग 1,09,000 थी वो। वे वजीर मुराद अली शाह कोरोना बाबत अंग अखर जारी करने है त कराची में 722, हैदराबाद में 97, सखर में 88, नौशरो फिरोज में 72, बदीन में 66, सांगड़ में 55, शिकारपुर में 53 नवा केस रिपोर्ट। लाड़काने में 32, सजावल में 26, ठटो में 24, उमरकोट में 23, घोटकी में 21, टंडोलहार में 18 केस रिपोर्ट। सिंध सरकार सेहत खाते के मुलाजमन के कोरोना दौरान रिस्क अलाउंस देने जो नोटिफिकेशन जारी कर छो। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के एहतजाज का सिंध सरकार सेहत खाते के समूरन मुलाजमन के रिस्क अलाउंस देने जो ऐलान किया हो। सिंध ग्रैंड हेल्थ अलायंस जारी कल नोटिफिकेशन के रद्द करने है तो मुतालबन की मंजूरी जो नोटिफिकेशन मार्च में जारी करो हो जो जुलाई में जारी किया वो है। सईद गनी और नासिर शाह पैं वायदन से अमल न कर। बहरिया फाउंडेशन के बहरिया ग्रीन हाउसिंग मनसूबे की इश्तिहारी मुहिम हलायण वो अमल अदालत में चैलेंज। सिंध हाईकोर्ट बहरिया फाउंडेशन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बेन धरन के नोटिस जारी कदे 21 जुलाई से तलब कर वरतो। दरख्वास्त गुजार मौकफ़ इख्तियार किया है तो बहरिया ग्रीन हाउसिंग मनसूबे की इश्तिहारी मुहिम NOC वन बाद बिना हलई पी वे। दरख्वास्त में बिना नंबर के प्रिंट ए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इश्तिहार हलायण वे अमल के रोकने लाए हुक्म दियण की इस्तदा। सिंध हाईकोर्ट PMA सिंध की बॉडी की कामयाबी वो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर छोड़ो। धुरन के 21 मई ताईं तलबी जो नोटिस जारी। अदालत डॉक्टर पीर मंजूर मोहम्मद खान शेर बेन की आईनी दरख्वास्त बुधनी कई। सिंधड़ी भरसा जवाबदार संगावती तकरार त 60 वरन के सोराब मरी के घुटा दई कतुल कर छोड़ो। वाके का पुलिस जवाबदार धुर के घर के कड़ो चाड़े छोड़ो। कंदकोट भरसा जेड़े दौरान जख्मी थियल गोठाने दम दई छोड़ो। गोठ बाहू सब्जोई में सब्जोई बिरादरी के बिन धुरन में जेड़े दौरान गोठानो जख्मी थी पो हो जै रहीम यार खान अस्पताल में दम दिनों। हैदराबाद में वासा मुलाजमन जो पघारू न मिलने खिलाफ एहतजाज। मसलो हल न थियण की सूरत में पीण जो पानी बंद करण सेवरेज निजाम जाम करण जो चिताव। मुलाजमन चाह है वासा के पक्न मुलाजमन के 6 महीनों ए वर्क चार्ज मुलाजमन के 9 महीनों का पघारू न दई जुर्म कर वो है। MD वासा पे पघारू दियार की खातरी कराई हुई है हाँ मिलने ला भी तैयार ना है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ से गड आऊं आहियां ताहिरा वज़ीर। हेडलाइंस हवाले थियूं तफ़सीली ख़बरूं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।